YouTube चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ। आज हम बात करने वाले हैं यूपी अपकमिंग CHO वैकेंसीज के बारे में, जो कि फॉर्म है जो फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं 28 अक्टूबर से 28 अक्टूबर से। तो जिन भी लोगों को है जो तैयारी कर रहे हैं यूपी के लिए, वो लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि जनवरी में भी यूपी में वैकेंसीज निकाली गई थी, सबने देखा होगा जनवरी में नोटिफिकेशन आया हुआ था। इस बार भी आपका CVT बेस्ड एग्ज़ाम होना है। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ऑफिशियल पेपर है कि किस तरीके से पूरे पेपर को डिवाइड करके है, जो 8-8 करके पूरे क्वेश्चन है जो डिवाइड करके यूपी के एग्ज़ाम में किए जाते हैं। 8 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग है जो दोनों कवर अप किया जाता है। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पेपर हुआ था सितंबर में 7 सितंबर 2022 को पेपर हुआ था। उसके बाद है जो यहाँ पे 2022-23 तक है जो पेपर हुए हैं CHO यूपी में, 23 तक पेपर हुए हैं, MP में 24 तक पेपर हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको पेपर दिख रहे हैं, ये पेपर आपके लिए चैनल पर भी कई बार अपडेट किए गए हैं, लेकिन आज एक सिंगल क्लास में पूरे यूपी के पेपर्स, 5 या 6 पेपर हैं जो एक क्लास में 5-6 पेपर बस ऐड किए जा सकते हैं, क्योंकि क्लास आपको 3 घंटे से ज़्यादा की हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपडेट किए जाएंगे। और जो भी लोग इन्हीं पेपर्स की एज अ PDF फॉर्मेट, क्योंकि UPCHO का सिलेबस नहीं बदला है, सेम एज वही सिलेबस के तौर पे आपको तैयारी करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि UPCHO का सिलेबस क्या रहा था लास्ट टाइम, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन फर्स्ट हो गया, क्लियर। सेक्शन फर्स्ट में आपको 8 क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा आपका कम्युनिटी का सेक्शन हो गया, तो इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीसरा आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया। तो इस तरीके से करके पूरा है जो सिलेबस है जो डिवाइड किया जाता है, पूरे सिलेबस के हिसाब से आपकी तैयारी भी बहुत इजीली है जो हो सकती है। एक और चीज़, तो जो भी लोग इनके लिए, इसके लिए स्पेशली पर्टिकुलर बुक है जो ऑलरेडी आ चुकी है UPCHO एग्ज़ाम के लिए, आप लोग जो मेडिकल नर्सेस की कंप्लीट गाइड फॉर NHM है 2024 में जून में ही अपडेट करके लाई गई है, तो आप लोग उस बुक को ज़रूर ऑर्डर कीजिए। अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो बुक में आपको 6,500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 55 है जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है NHM और CHO के। यूपी के बस बुक में यदि हम बात करें तो 16 पेपर ऐड किए गए हैं, बुक आपके लिए मीनिंगफुल रहेगी। और जो लोग बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं यूपी वाले स्पेशली, चाहे आप किसी भी का मतलब यहाँ पे किसी भी स्टेट से आप यदि CHO की तैयारी करते हैं, तो आप भी इस बुक को है जो प्रेफर कर सकते हैं। बुक आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से आप ले सकते हैं। बुक को आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, तो बुक यदि जो भी लोग डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे तो ओनली आपको 590 रुपीज़ में, 599 रुपये में बुक अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें आपको कोई भी डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। और यदि आपको डायरेक्ट वे में बुक नहीं लेना है, तो दूसरा ऑप्शन कार्ड के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट गाइड फॉर NHM एंड CHO, इसमें आपको प्रीवियस ईयर NHM CHO DHS के पेपर हैं 2019 से 2024 तक के। यहाँ पर 24 का जो लास्ट टाइम अप्रैल में पेपर हुआ था, वो पेपर भी यहाँ पर ऐड किया गया था। आई थिंक उत्तराखंड में हुआ था लास्ट टाइम पेपर 2024 अप्रैल में, तो उस पेपर को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर यदि इस बुक से आप पढ़ते हैं, तो आपको मॉडल पेपर, ट्रिक्स हैं, जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी। तो यदि आप बुक को फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं, बुक ले सकते हैं। और यदि आप डायरेक्ट वे में लेना चाहते हैं, तो कंपेयर टू फ्लिपकार्ट के बुक आपको है जो और कम रेट पे पड़ेगी। आपको बुक यदि आप आज ऑर्डर करते हैं, तो आज ही आपको बुक कोरियर कर दी जाएगी 3 बजे तक। तो यहाँ पर जिस भी वे में आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ अपनी तैयारी पर है जो फोकस कीजिए, क्योंकि यूपी का पेपर मैं बता दूँ कंपेयर टू अदर स्टेट के बहुत ही ज़बरदस्त सा पेपर आता है, तो आपके लिए उसको प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूपी का ही 7 सितंबर 2022 का पेपर मैंने ओपन कर रखा है। इस तरीके से हम पूरे पेपर्स हैं जो सॉल्व करेंगे। ऐसा बुक में नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए पूरे जो 16 पेपर हैं यूपी के NHM प्लस CHO के, ओनली 150 रुपीज़ में अवेलेबल भी है। तो आप डायरेक्ट है जो PDF फॉर्मेट में भी लेके तैयारी कर सकते हैं।
मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पेपर आपको सेम एज इसी फॉर्मेट में रहेंगे, 380 पेज की पीडीएफ होगी, 380 पेज की पीडीएफ रहेगी ये। तो आप इस पीडीएफ को चाहें तो प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट पढ़ना चाहें तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों। लेकिन आप लोग पेपर एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा कि यूपी के पेपर किस तरीके से होते हैं। ओपन कर रखा है यूपी सीएचओ का, जो कि अभी नया आया था 25 तारीख को, तो यहाँ पर 28 है जो सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 17 नवंबर तक फॉर्म भरे जाने, आज ऑलरेडी 2 नवंबर है जो हो चुकी है। यहाँ पर आपकी 7400 प्लस पोस्ट है, तो जो भी लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ अप्लाई कीजिए, क्योंकि 7500 वैकेंसीज कम नहीं है यहाँ पर। पहले 5582 पोस्ट आई थी जिन्होंने फॉर्म भरा था, 25 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन आया था, जिन्होंने उस टाइम फॉर्म भरा था उनको कुछ भी नहीं करना है, आपको दोबारा से रजिस्टर है जो नहीं करना है, दोबारा से आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, आपको यहाँ पर ओनली एक बार चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म उस टाइम सही से भरा था या नहीं, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम नहीं हुआ था, डिले कर दिया गया था, जो भी गवर्नमेंट के रीज़न रहे हों। तो अब जो भी लोग इस बार फिर से, जो लोग उस टाइम चूक गए हों फॉर्म भरने से, तो इस बार आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो यहाँ पे आपको उसके लिए तैयार रहना है। जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 33 मार्क्स आने चाहिए, OBC के लिए 30 और SC ST के लिए 24। 100 में से यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, ध्यान से सुनिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। 80% नर्सिंग और बाकी 20% नॉन नर्सिंग आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं। उस 20% में देखिए यहाँ पर CBT होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आफ्टर का आपका DV होगा, क्या होगा जो यहाँ पे आपका DV होगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए साफ साफ कहा है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 80 नंबर का जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपकी नर्सिंग इंक्लूडेड होगी, सेक्शन 2 जो कि 20 नंबर का होगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन में आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में आपके हैं जो मार्क एज अवार्ड के तौर पे इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं दिए जाएंगे। पेपर बाइलिंगुअल होगा मतलब हिंदी इंग्लिश में होगा, तो आप लोगों को एक बार, क्योंकि सेम एज फॉर्मेट वही है पेपर का, तो आपको एक बार है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार पूरे जो प्रीवियस पेपर हुए हैं 2019, 20, 21, 22 में, जो 15 से 16 पेपर हो चुके हैं NHMCHO के, तो वो पेपर आपको है जो एक बार सॉल्व करके देख लेना है। ये रही यहाँ पर सिटीज़, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। आई होप कि आप लोग नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी है जो पूरा पढ़ चुके होंगे कि जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, उन 75 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट हैं जो निकाली गई हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन आप लोग फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा, जो भी आपके डाउट रह जाएँ तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। तो आपका सिलेबस सेम है से प्रीवियस जैसे ही, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी लोग बुक लेना चाहते हैं बुक से पढ़ सकते हैं, जो लोग डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट पढ़ सकते हैं।